पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्लास एट्थ कक्षा आठ की गणित प्रश्नावली 7.2 चल रही थी, तो पिछली क्लास में मैंने प्रश्न संख्या 3 का संपूर्ण हल बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हूँ प्रश्न संख्या चार है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या चार में कह रखा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, सभी बच्चे वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कल देखा कि कल के वीडियोज़ को सिर्फ 11 बच्चे देखे हैं और जुड़े कितने बच्चे हैं, लगभग 65-70 बच्चे हैं इस ग्रुप में, क्लास एट्थ में, और देखे हैं कितने, 11 बच्चे। तो इस तरीके से जब आप लोग पढ़ते हैं तो वीडियो बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि देखते हैं कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अब आज और मैं पढ़ा दे रहा हूँ, यदि अगर मैं देखूँगा कि वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, 2 दिन 3 दिन में 8 लोग 10 लोग 12 लोग जब देखोगे, तो वीडियो बनाने से क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोग सक्रिय हैं ही नहीं, एक्टिव हैं ही नहीं। तो मन लगा कर पढ़ें, कॉपियाँ नोट बनाते रहें। विद्यालय ओपन होने पर मैंने बताया है कि आप लोगों को कॉपियाँ चेक की जाएंगी, ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों से सवाल लगवाया जाएगा। तो ये सवाल दे रखा है 16x^5 - 144x³। इसमें करना क्या है? सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसमें x³ को कामन ले लो, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो कामन, यदि अगर x³ को अगर बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा 16, 5 है, 3 बाहर आ गया, कितना बचा? 2। यहाँ कितना आया? 144। x³ बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं x³। अब 16 को लिख सकते हैं 4x² क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 144 जो है 12 का वर्ग है, तो 12 × 12 = 144, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इस x³ को लिख लेंगे। अब क्या होगा? a² - b² का फार्मूला बन गया। तो एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में -b होता है। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, a² - b² का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a+b और एक कोष्ठक में a-b, यही आपका फार्मूला है। तो इसे a² - b² का फार्मूला बन गया। इसका मतलब 4x + 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x - 12 एक ब्रैकेट में। बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। यदि अगर इसे और सरल करना चाहते हैं तो इसमें 4 को कामन ले सकते हैं आप, और यहाँ पर भी 4 कामन आ जाएगा। अगर आप चाहते तो यहाँ पूरा 16x³ भी कामन ले सकते थे, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, या इसी को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं आप कि 16x³ को पूरे सवाल में बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। लेकिन अगर आप 16 को बाहर लेंगे तो 16 × 9 = 144 होता है, तो ये आपका बचेगा -9, ठीक है। इसे लिख सकते हैं आप 16x³, जो x² है इसको लिख सकते हैं x² 9 किसका वर्ग है? 3 का, इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अब इसे 16x³ को लिख सकते हैं, फिर a² - b² का फार्मूला बन गया, तो भी हो जाएगा एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में a-b, एक कोष्ठक में x+3, एक कोष्ठक में x-3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इससे, ठीक है, आंसर दोनों सही हैं। बच्चों, मैं ले चलता हूँ आपको प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है 63a² - 112b². अब इसे हल करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, 7 को इसमें कामन ले लीजिए, 7 × 9 = 63, 9a² हो गया। 7 को बाहर लेंगे, 7 × 9 = 7, 4 = 42, 7 × 6 = 42, b² है लिख देंगे। अब इसे
सात को बाहर लिख देंगे। अब इसे आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। अब 4 चौके 16 होता है तो 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हल जब करेंगे तो 7 बाहर हो गया, ये बन गया a² - b² का फार्मूला। तो एक कोष्ठक में a+b मतलब 3a + 4b, एक कोष्ठक में a - b मतलब 3a - 4b, ठीक है। तो बच्चा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ले चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका। तीसरे नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है 49x² - 36। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा है 4p² - 9p², इसे भी आप अपने से करेंगे। तीसरा चौथा स्वयं आप करेंगे। पांचवा मैं बता रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लिखा है 25a² - 4b² + 28bc - 49c² बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपका मोस्ट क्वेश्चन है, समझ गए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को ये डिफिकल्ट करता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जब इसे हल करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखना, इसे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 जो लिखा है इसको लिख लो, 25a² को, इसमें माइनस आप क्या करेंगे, इस पर माइनस को कामन ले लो। जब माइनस को कामन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 4b² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 28bc, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 49c² बच्चों। फिर इसे आगे की ओर लिखोगे तो हो जाएगा 25a² माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b, b की जगह कितना है 7c, तो a² + b² - 2ab, तो 2 × a, a की जगह है 2b, b की जगह है 7c, तो 2 × 4 = 28c भी देखो हो गया है ना। तो इसे लिख सकते हैं, और जो 25 है इसको 5a² लिख सकते हैं आप माइनस। इसे जब हल करेंगे तो a² + b² - 2ab, तो किसका सूत्र है, -b का होल स्क्वायर, तो a की जगह कितना है, तो इसे a बना दीजिए, ये माइनस, a की जगह कितना है 2b माइनस b, तो b की जगह कितना 7c, तो a - b का क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये यहाँ से a पूरा a हो गया, a पूरा b हो गया, तो ये पूरा बन जाएगा a² - b², तो एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में -b होता है, एक कोष्ठक में a + b, b की जगह कितना है 2b - 7c, तो एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में a - b, तो 5a - b, तो b की जगह जब इसको रखेंगे तो देखो हम बड़ा ब्रैकेट लगा के रखे रहे ताकि दिक्कत ना हो, एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में a - b, a - b, b की जगह कितना है, b की जगह है 2b - 7c, ठीक है। अब इसे हल करेंगे जब, तो हो जाएगा आपका 5a + 2b - 7c एक कोष्ठक में, दूसरे में बच्चा 5a - 2b - 7c, तो बच्चा यही आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बंद करके इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न संख्या छठवा, जिसे आप स्वयं करेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। a² + b² - 2ab मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो a की जगह है बच्चा x, b की जगह कितना है y, तो a - b का होल स्क्वायर,
माइनस यहाँ पे किया जेड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यही इसका क्या हो गया, यही इसका सही सही आंसर हो गया। ठीक है, ले चलते हैं आपको आगे की प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न संख्या चार का और आज का आपका लास्ट प्रश्न, यल प्लस यम का होल स्क्वायर माइनस यल माइनस यम का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसे हल करना है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ए की जगह पूरा आपका ए पूरा ए है, ए मान लीजिए पूरा कितना है बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी, ए की जगह कितना है यल प्लस यम, प्लस बी, बी की जगह कितना है यल माइनस यम, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो बी की जगह कितना है यल माइनस यम। तो बच्चा माइनस और माइनस इसे क्या कर देगा प्लस, तो प्लस यम, इसे हल कर लो, यल में यल जुड़ जाएगा, प्लस यम से माइनस यम कट जाएगा, यल में यल जुड़ेगा तो हो जाएगा टू यल इंटू, यल से यल कैंसिल हो गया, यम में यम जुड़ेगा कितना टू यम, तो दो दूनी चार, चार हो जाएगा यल और क्या यम, तो हो जाएगा चार यल यम, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास बस इतना ही, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या चार आज आपको मैंने पूर्णतया समाप्त कर दिया। अब प्रश्न संख्या इसमें जो आगे की ओर पांचवा है, कल मैं आपके लिए पांच लेकर के उपस्थित होऊंगा, लेकिन वीडियो को एट लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग 11 12 लोग 10 लोग देखते हैं वीडियो, इसलिए बनाने का बिल्कुल मूड नहीं होता है। यदि अगर मैं देखूँगा संख्या कम रहा, नहीं बच्चे देख रहे हैं वीडियो, फिर मैं सेंड ही करना बंद कर दूंगा, इतना ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।